Subscribe my channel and press bell icon for new video updates. Also like, comment and share. नमस्कार, मैं शारदा, शारदा किचन में आपका बहुत स्वागत है। दिवाली के लिए हम सभी प्रकार के व्यंजन बनाते हैं, नमकीन, खट्टा, मीठा। तो आज हम बनाएंगे नमकीन चिवड़ा। ये नमकीन अगर रोस्टेड हो और कम तेल में बने हो तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। बनाने में इजी है, टाइम कम लगता है और सबको पसंद आने वाली रेसिपी है। तो चलते हैं पतला पोहा बनाने की रेसिपी की ओर। यहाँ पे मैंने पतला पोहा लिया है 500 ग्राम यानी कि आधा किलो। इसे हमें सबसे पहले रोस्ट करके लेना है। कढ़ाई को मैंने गर्म कर लिया है, इसमें डाल देंगे। इसे हम अच्छी तरह से रोस्ट करके लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से करना है, इसे फ्लेम को लो ही रखना है। हम इसे दोनों हाथ से भी इस तरह से कर सकते हैं ताकि बॉटम में चिपक ना जाए। इसे हम 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि हमारे पोहा अच्छी तरह से क्रिस्पी बन जाए। हम थोड़ा सा साइड में प्लेट में लेंगे, ठंडा होने के बाद ज्यादा क्रिस्पी लगते हैं। जो हमने साइड में ठंडा करने के लिए रखे थे पोहा, उसे हम हाथ से दबा कर देखेंगे। ये देखिए एकदम क्रिस्पी बन गए, यानी कि हमारा पोहा अच्छी तरह से भुन गया है। गैस को बंद कर देंगे, इसे हम निकाल लेंगे। कढ़ाई में 5 चम्मच ऑयल डाल देंगे। इस चिवड़ी की खासियत यह है कि इसको तेल कम लगता है। तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, इसमें राई डाल देंगे 1.5 चम्मच। राई को अच्छी तरह से चटकने देना है। राई अच्छे से चटक गई है, 1 टेबलस्पून जीरा, ये 50 ग्राम पीनट है यानी कि मूंगफली, इसे आधा मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। 50 ग्राम दलिया, ग्राम दाल, इसे भी हल्का सा भून लेंगे। सूखा नारियल के टुकड़े, ये भी 50 ग्राम के करीब है, थोड़ा कम ज़्यादा हुआ तो भी चलेगा। इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स को हल्का सा ब्राउन कलर आने देना है। करी लीव डाल देंगे, करी लीव आप अपने हिसाब से डाल दीजिए, मुझे ज़्यादा पसंद है, मैं थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ। इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। लास्ट में बादाम के टुकड़े, यदि आपके पास काजू हो तो आप काजू भी डाल सकते हो। इसे भी अच्छी तरह से भून लेंगे। 10 से 12 हरी मिर्च, हम थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो मैं ज़्यादा डालती हूँ, आप अपने पसंद के अनुसार डाल दीजिए। ये देखिए अच्छी तरह से ब्राउन कलर आ चुका है। 1 टेबलस्पून हल्दी, 2 चुटकी हिंग, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1/2 टेबलस्पून अमचूर पाउडर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सारी सामग्री को अच्छी तरह से क्रिस्प होने देना है, नहीं तो हमारा चिवड़ा सॉफ्ट बन जाएगा। सारी चीजें अच्छी तरह से क्रिस्प हो चुके हैं, गैस को बंद कर देंगे। जो हमने पोहा रोस्ट किया था वो डाल देंगे। बिल्कुल हल्के हाथ से डालना है। 1 टेबलस्पून पाउडर चीनी इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गैस को मैंने बंद कर दिया है, देखो कैसी आवाज आ रही, क्रंची क्रंची। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे, इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यह हमारा चिवड़ा बन गया है, इसे ठंडा होने देना है। 1 या 2 घंटे के बाद आप इसे एयरटाइट कंटेनर में भर के रख दीजिए। 1 महीने तक ये चिवड़ा अच्छा रहता है। तो लीजिए, क्रिस्पी और नमकीन चूड़ा दिवाली के लिए तैयार है। इस प्रकार आप अच्छी अच्छी रेसिपी बनाइए, खाइए, स्वस्थ रहिए। आप लोग इसे ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स और सजेशन दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ वीडियो की लिंक शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो न्यू अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकॉन का बटन है उसे क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले इसका मैसेज आपको आ जाए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।